नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। हेमापुर पंचायत के एक एक वार्ड का सर्वे किया हमारी टीम ने और वहां के मतदाताओं से जब बातचीत की तो यहां के ग्रामीण ने बताया प्रिंस कुमार एक ऐसा नाम सामने निकल कर आया है जिसको यहाँ की जनता काफ़ी पसंद कर रही है और लोकप्रियता भी काफ़ी है। यहाँ के ग्रामीण से जानते हैं कि आखिर इतनी लोकप्रियता और लोगों के अंदर इतने चहीते क्यों बन गए प्रिंस कुमार, जिनका ये पहला चुनाव है। जी, आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? सुनील। अच्छा, क्या लग रहा है, क्यों आखिर प्रिंस कुमार का नाम इतने चर्चे में है? प्रिंस कुमार हम लोग की नज़र में सही आदमी है, इस वजह से चर्चा है। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ छोटू कुमार। जी छोटू कुमार, सबसे पहले हेमापुर पंचायत के जनता को प्रणाम आदाम सलाम करते हैं और आपको मीडिया वाले को भी। जी, क्या लगता है प्रिंस कुमार का नाम इतने चर्चे में क्यों हो गया? प्रिंस कुमार का नाम चर्चे में इतना है कि वो सोशल वर्कर 5 साल से है। अच्छा, सबसे पहले कि यहाँ का कोई भी जनता का सुख दुख में खड़ा उतरते हैं, इसलिए प्रिंस कुमार का एकदम जोर शोर से तरक्की में आगे हैं और प्रिंस कुमार ही विजय होंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया कि प्रिंस कुमार ही विजय रहेंगे और आपने टी शर्ट भी पहन रखा है। क्या लगता है कि जो जो खूबी इन्होंने बताई है कि भाई 5 साल जो है समाज के बीच रहे और समाज के लिए काम किया है, मुखिया बनने के बाद क्या लगता है पूरे तो कैसे, क्योंकि वो युवा लड़का है और कैसे वो हैंडल कर पाएंगे? वो 5 साल से तो ऐसे ही सोशल वर्क कर रहा है, उनके साथ पूरा जनता है, आगे भी यही करेंगे, यही उम्मीद है हम लोग का, इसलिए हम लोग उसके साथ है और हम लोग विजय होंगे। क्या लग रहा है सर कि पंचायत चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, रोड नाली गली और जो कुछ भी होता है, तो जैसा कि और ग्रामीण ने बताया कि ये पूरे 5 साल से सामाजिक काम कर रहे हैं और जनता के बीच है इसलिए जनता पसंद कर रही है, क्या लग रहा है उनके जीतने के बाद आप लोगों की मांग क्या रहेगी और क्यों जिताना चाहते हैं? ये तो सही है कि मैं पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैंने 20-25 साल पहले से देखा है कि मैं जो भी सिटिंग कैंडिडेट हुआ है उतना गांव का विकास नहीं हुआ। ये अगल बगल में जितना भी नाला है गाँव में पानी भर जाता है और ये प्रिंस कुमार मुखिया युवा मुखिया है और हम लोग चाहते हैं हेमापुर पंचायत का भी यही आवाज़ है कि एक बार युवा प्रत्याशी को भी देखा जाए, क्योंकि यह 5 साल के अंदर जितना भी काम हुआ है, चाहे कोई मान लीजिए कोई गलत काम में फंस गया, चाहे किसी के प्रति जैसे होता है झगड़ा कुछ भी हो, उनका फैसला ये बहुत अच्छा किए हैं पूरा पंचायतवासी का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण का सीधा सीधा कहना है कि तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जितनी जनता है और इस पंचायत के एक एक नागरिक का कहना है कि समाज के बीच रह करके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण हो या सामाजिक न्याय हो, हमेशा जो है वो लोगों के चर्चे में रहते हैं और लोगों के लिए काम आते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग प्रिंस कुमार को पसंद करते हैं। जी सर, क्या लगता है प्रिंस कुमार की इतनी चर्चा, इतनी लोकप्रियता की वजह क्या है? क्या कि वो समाज के लिए अच्छा किया है, वो हर गरीब को ध्यान देता है, इसलिए हर आदमी उसको चाह रहा है, हर दुख मुसीबत में वो अगला को चाह रहा है। प्रिंस मुखिया जिंदाबाद, 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 प्रिंस मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की पूरी जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 2021 में प्रिंस कुमार को मुखिया बनाना है। अब देखते ये हैं कि जनता मतदान करते वक्त कितना प्रतिशत प्रिंस कुमार के साथ है। मिलेंगे फिर किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन संजीत राय के साथ।